M19 बेटा, आज आप लोगों का चैप्टर 20 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स को कवर करना है। ठीक है, इससे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसमें हम लोग दो आप लोगों को मैंने बर्थ डिफेक्ट्स कॉजेज जो थी कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स के हवाले से जो अबनॉर्मलिटीज है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमोसोम में दो तरह से चेंजेस हो सकती है, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स में। एक तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं और दूसरी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल की तरफ जाएंगे। तो न्यूमेरिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें तो ये क्यों होती हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है कि न्यूमेरिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज में या तो क्रोमोसोम या तो कोई एक मिसिंग होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। इधर जो नॉर्मल पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें बेसिक अबनॉर्मलिटी क्या होती है, या तो होल क्रोमोसोम आइदर मिसिंग, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल पेयर। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, या तो क्रोमोसोम मिसिंग होगा या फिर एक्स्ट्रा आ जाएगा जो एक पेयर है क्रोमोसोम का उसके अंदर। ठीक है, कॉज मेन कॉज जो है वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताई थी कि न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की मेन कॉज जो है वो नॉन डिस्जंक्शन है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकंड मियोटिक डिवीजन पे सेल नॉन डिस्जंक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम पेयर या फिर खाली क्रोमेटिड्स जो है वो उनकी नॉन डिस्जंक्शन होती है। ठीक है, तो कॉज में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ द क्रोमोसोम पेयर्स फेल टू सेपरेट properly during cell division के दौरान, तो क्या होगा, अगर होगा कि द एग और स्पर्म में एंड अप विद अ सेकंड कॉपी ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उनमें कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा इफ सच अ गैमेट रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक में एक्स्ट्रा आ जाएगा और एक में बिल्कुल ही कोई जो है वो क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर उस गैमेट की फर्टिलाइजेशन होगी एंड देन एम्ब्रियो जो बनेगा रिजल्टिंग एम्ब्रियो में है ऑल्सो हैव एन entire copy of the extra chromosome। यदि हम लोग extra वाले chromosome की बात करें कि अगर किसी में अगर extra pair आ जाता है तो उसमें ये होता है। ठीक है, the number of chromosomes in the cell where trisomy occurs, ठीक है, 2n normal number होता है chromosome का जो pair की form में होता है, अगर 2n plus 1 होगा यानी एक chromosome add होगा तो उसको हम trisomy बोलेंगे, और अगर एक chromosome minus होगा तो उसको हम monosomy बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो conditions हो सकती हैं। the number of chromosome in the cell where the trisomy occurs, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 इफ वन क्रोमोसोम शोस ट्राइसोमी। ठीक है, दो क्रोमोसोम की भी ट्राइसोमी हो सकती है तो 2n+1+1 हो सकता है उसमें। अब जो ट्राइसोमीज होती है, ट्राइसोमीज का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो पेयर में ऐड हो गया, इसको हम ट्राइसोमी का नाम देंगे। ट्राइसोमी को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, एक तो ऑटोसोमल ट्राइसोमीज होती हैं और एक जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमीज होती हैं। आप लोगों को पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी सारे जो हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ऑटोसोमल ट्राइसोमीज होती हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज हो सकती है। ठीक है, दो तरह से हो सकती हैं। ऑटोसोमल में फर्दर जो मोस्ट कॉमन ट्राइसोमीज है उसमें हमारे पास ट्राइसोमी 21 पेयर जो है क्रोमोसोम का, उसमें एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ गया है, इसको हम डाउन सिंड्रोम कॉमनली कहते हैं। ट्राइसोमी 18 को हम एडवर्स सिंड्रोम कहते हैं, और इसके अलावा ट्राइसोमी 13 जो होती है उसको हम टाउ सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो कॉमनली है वो हमारे पास 3 है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम होता है, हम इन सबको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और एक एक्स डबल वाई जिसको हम जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं, ये तीन होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ट्राइसोमीज को हम फर्दर ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होगा तो ट्राइसोमी कहलाएगा, अगर माइनस होगा तो मोनोसोमी होगी, और जो मोस्ट जो मोनोसोमी है वो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है वो टर्नर सिंड्रोम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोनोसोमी है, इसमें क्या है कि इसकी जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन सब वो 45X होती है। ठीक है, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मिसिंग होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम आप लोगों ने याद रखना है ये मोनोसोमी है। ठीक है, और इसमें सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज होती है। तो होता क्या है कि जेनेटिक कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम,
caused by an abnormality on one of your sex chromosomes. Sex chromosome में अगर abnormality होगी तो Turner syndrome होता है. इसको हम monosomy X भी कहते हैं because it is monosomy. इसमें एक sex chromosome missing है. That's why it is also called monosomy X. ठीक है. होता क्या है कि results when one of the X chromosome, यानी कि sex chromosome is missing, या तो पूरा missing होगा या फिर partially missing होगा. कोई part उसका missing हो सकता है. फिनोटाइप जो होते हैं टर्नर सिंड्रोम ऑलवेज जो होते हैं वो इसमें फीमेल्स में होते हैं. इनकी जो फिनोटाइप जो होती है टर्नर सिंड्रोम की वो फीमेल है. ठीक है. और इसमें होता क्या है कि आप लोगों को जो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो 90% जो अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं उसमें डेवलप नहीं होती. ठीक है. और इस वजह से उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होती है. तो उनके जनरल फीचर्स हैं ये आप लोगों को कैरियोटाइप दिखाई दी है टर्नर सिंड्रोम की. ये सारे नॉर्मल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में सब में नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट वाला 23rd, इसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग है. तो टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइप ये होगी जिसमें सेक्स क्रोमोसोम जो होगा एक मिसिंग होगा और इसको और ये ऑलवेज अफेक्टेड फीमेल. तो फिनोटाइप इसकी क्या होगी, फीमेल होगी. ठीक है. अच्छा, फिनोटाइप का मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें फीमेल होगी. फिनोटाइप बेसिकली हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एज डिटरमाइंड बाय अ जीनोटाइप. उसकी जीनोटाइप के लिहाज से जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड. ठीक है. अ मोनोसोमी एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी यानी कि टर्नर सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जो कि फिटस में अब्जॉर्ब होती है और ये स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट भी हो जाती है. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 18% जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से अबॉर्शन होती हैं वो ड्यू टू दिस मोनोसोमिक एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम की वजह से. कॉज की अगर हम बात करें, इसमें भी कॉज जो है नॉन डिस्टिंक्शन है. एरर इन गैमेटोजेनेसिस होते हैं जिसकी वजह से मोनोसोमी एक्स यानी कि टर्नर सिंड्रोम होते हैं. और अगर हम इसकी फर्दर ट्रेसिंग करें कॉज की, तो इसमें 75% ऑफ केसेस में पेटर्नल गैमेटोजेनेसिस कॉज होता है वो उसमें कॉज होता है, वहाँ से एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है. ठीक है. तो मोस्टली पेटर्नल साइड से एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो मिसिंग होगा तो कॉज में. और पीछे इसकी जो मेन कॉज है वो नॉन डिस्टिंक्शन है. ठीक है. मोस्ट फ्रीक्वेंट क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इसमें 45X होती है. इसमें क्रोमोसोम जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है यानी क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट 45X होता है. इसके अलावा भी अदर कैरियोटाइप्स हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है टर्नर सिंड्रोम का हम 45X देखते हैं. सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स में बेटा हम लोगों के पास टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसको हम लोग बिफोर बर्थ यानी प्रीनेटली भी डायग्नोज कर सकते हैं, इन्फेंसी में भी डायग्नोज कर सकते हैं और अर्ली चाइल्डहुड में भी डायग्नोज कर सकते हैं. ठीक है. उन तीनों में इनके सिम्टम्स होंगे वो आप लोगों को, जो मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे वो आप लोगों को नजर आ जाएंगे. तो इसी तरीके से हम लोगों ने सिम्टम्स को भी हम इन तीन बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं कि बिफोर बर्थ क्या सिम्टम्स आप लोगों को नजर आएंगे अगर आप लोग इसको डायग्नोज करने के देखोगे बर्थ पे या ड्यूरिंग इन्फेंसी में क्या नजर आएगा और चाइल्ड हुड या टीन्स में एडल्ट में क्या नजर आएगा. ठीक है. बिफोर बर्थ अगर आप लोग देखो कि आप लोगों के पास एक फीमेल फीटस है जिस टर्नर सिंड्रोम के साथ 16 वीक्स पे है, तो इसमें जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है वाटर की. वाटरी फ्लूइड जो होता है एट द बैक ऑफ द नेक यानी कि जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक हेड होती है सर्वाइकल रीजन, यहाँ पर एक एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की जिसको हम हाइड्रोप्स या फिर लार्ज सिस्टिक हाइग्रोमा का नाम देते हैं. ये बेसिकली एट द बैक ऑफ द बेबीज नेक और हेड या सर्वाइकल रीजन जो होता है उस पर ये करेक्टरिस्टिक फीचर है बिफोर बर्थ. ठीक है. तो हाइड्रोप्स आप लोगों को मिलेगा, सिस्टिक हाइग्रोमा या फिर लिम्फेंजियोमा मिलेगा इन द पोस्टीरियर हेड एंड सर्वाइकल रीजन. ठीक है. मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ये है और इसी हाइग्रोमा की वजह से आप लोगों ने टर्नर सिंड्रोम कहीं सुना होगा. उसमें मेन हम लोग कहते हैं कि इसकी वेब्ड नेक होती है, मतलब स्पेस जो होती है नेक में वो और हेड में वो कम होती है, वेब्ड नेक होती है. तो इसमें जो लूज स्किन, नेक स्किन और वेबिंग स्किन जो पोस्ट नेटली होती है वो ड्यू टू इस वजह से होती है, हाइग्रोमा की वजह से. ठीक है. तो हाइग्रोमा ये जो लार्ज एक्यूमुलेशन है फ्लूइड की जिसको हम हाइग्रोमा का नाम दे रहे हैं, बेसिकली ये क्या कॉज करता है, लूज नेक स्किन एंड वेबिंग जो कि पोस्ट एंट्री होती है. ठीक है. तो बिफोर बर्थ अगर आप लोगों को सिम्टम्स कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें बेसिकली हाइड्रोप्स या सिस्टिक हाइग्रोमा बना हुआ होता है जो कि एक्यूमुलेशन है वाटरी फ्लूइड की एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक एंड हेड. ठीक है.
बर्थ की अगर हम बात करें कि बर्थ पे एनडीए साइड पे बेबी का फेस दिखाया हुआ है टर्नर सिंड्रोम में, फीमेल इन्फेंट है विद टर्नर सिंड्रोम, और इसमें अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लैटरल व्यू में देखो वेब नेक है, बिल्कुल शॉर्ट से नेक है, ईयर्स जो होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे, लार्ज होंगे। इसके अलावा इन्फेंट्स होते हैं विद दिस सिंड्रोम उनके डिफेक्टिव गोनेटल डेवलपमेंट होती है, गोनेट्स होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, गोनेटल डिस्टेनिसिस होते हैं। बर्थ पे आप लोगों जो उन लोगों को जो करेक्टरिस्टिक्स इसके पीछे मिलेंगे वो फीट में स्वेलिंग मिलेंगी, ठीक है। फीट शो द करेक्टरिस्टिक्स लिम्फेडिमा, लिम्फेडिमा होगा, पफिनेस एंड स्वेलिंग होगी जो कि यूजफुल डायग्नोस्टिक साइन है एट बर्थ पे, ठीक है। तो बर्थ पे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो आप लोगों को लिम्फेडिमा, पफिनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द फीट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेडिमा ऑफ द टोज इज अ कंडीशन और दैट रियली लीड्स टू नेल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। हाइपोप्लेजिया बेसिकली हम किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के अंडर डेवलपमेंट को कहते हैं, तो यहाँ पर नेल्स के अंडर डेवलपमेंट होती है ड्यू टू लिम्फ एडिमा ऑफ द टोज, ठीक है। तो बर्थ पे आप लोगों को मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे इसके फीट में स्वेलिंग होगी, लिम्फ एडिमा होगी, वेब नेक भी आप लोगों को नजर आ रही है और प्रोमिनेंट ईयर्स जो है वो भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें टीनेज गर्ल में 14 ईयर, इसमें फीचर्स अगर आप लोग उसमें शॉर्ट स्टेचर होता है सबसे पहले, शॉर्ट हाइट होती है, वेब नेक होगी, सेक्सुअल मैचुरेशन नहीं होती, बॉट चेस्ट विद वाइडली स्पेस पिपल्स होते हैं और लिम्फेडिमा स्वेलिंग ऑफ हैंड और फीट यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो तीनों आप लोगों को सिम्टम्स जो हैं तीनों बेटा आप लोगों को सिम्टम्स जो हैं उसमें नजर आ रहे हैं, इसमें टर्नर सिंड्रोम के जो है वो बर्थ पे बिफोर बर्थ और उसके बाद टीन एज में जो है वो आप लोगों के सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है मोस्ट कॉमन और मोनोसोमी एक्स भी इसको हम कहते हैं, फिनोटाइप टाइप इज ऑलवेज फीमेल, 45X क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है इसमें और सेक्स एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है मिसिंग होता है और 75% केसेस में ये पैटर्नल साइड से एक्स क्रोमोसोम जो होगा मिसिंग होगा। बाकी कॉजेज में मैंने नॉन डिस्जंक्शन आप लोगों को बताई थी और इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने टर्नर सिंड्रोम देख लिया, उसके बाद ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स, ट्राइसोमी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, ट्राइसोमी जो होती है जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर जो होगा ना वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर में ऐड होगा उसको हम ट्राइसोमी का नाम देते हैं और वो रिप्रेजेंट होता है एस टू एन प्लस वन, और ट्राइसोमी जो होगी हमने उसको फर्दर डिवाइड कैरेक्टराइज किया था ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स में और ट्राइसोमी ऑफ सेल क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स और उसके बाद ट्राइसोमी ऑफ सेल क्रोमोसोम्स। सो ट्राइसोमी हम किसको कहते हैं, दीज क्रोमोसोम्स थ्री क्रोमोसोम्स कॉपीज इन अ गिवन क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, उसको हम ट्राइसोमी का नाम दे रहे हैं। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है वो ट्राइसोमी होती है, ठीक है। रियल कॉज जो होती है वो मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन है, आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें क्या होता है कि गैमेट के अंदर 23 के बजाय 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और जब वो सब्सिक्वेंटली जाइगोट बनता है तो उसमें 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स जो होते हैं, जो मेन मोस्ट कॉमन ट्राइसोमीज हैं ऑटोसोम्स की, उसमें 21 है, 18 है और 13 है, हम अब इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो 13 और 18 ट्राइसोमीज हैं वो सिवियरली वेल फॉर्म्ड होते हैं, मेंटली डेफिशिएंट होते हैं और यूजुअली अर्ली इन्फेंसी में जो होते हैं उनकी डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द ट्राइसोमिक एम्ब्रियोज होते हैं वो यूजुअली बर्थ पे ही अर्ली अबॉर्ट हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स का जो मेन रिस्क फैक्टर है वो क्या है कि इंक्रीजिंग जो मेटर्नल एज है, मेटर्नल एज अगर इंक्रीज होगी तो ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ साथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ट्राइसोमी 13 और 18 हमने कहा था कि स्वेली मेलफॉर्म्ड है। अब जो 13 ट्राइसोमी होती है वो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है न्यूनेट इन्फेंट्स में, जो न्यूनेट्स में आप लोगों को ट्राइसोमी 13 जो होगी वो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के तौर पर मिलेगी, और जबकि एरर्स इन द मियोसिस अकर्स विद इंक्रीजिंग मेटर्नल एज एंड द मोस्ट कॉमन एन्यूक्लाइडी जो कि ओल्डर मदर्स में आप लोगों को मिलती है वो ट्राइसोमी 21 है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं। इसके अलावा इफेक्टेड चिल्ड्रन में आप लोगों को ट्रांसलोकेशन या मोज़ेकिज्म जो होता है वो भी हो सकता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। ट्रांसलोकेशन बेसिकली एक क्रोमोसोम की जीन्स जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाके लग जाती है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मोज़ेकिज्म क्या होता है, इसमें दो टू और मोर सेल टाइप्स कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक
या उससे ज्यादा सेल टाइप्स होंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होंगे, आप नॉर्मल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लेस सिवियर आप लोगों को फिनोटाइप मिलेगी एज कम्पेयर टू जो बिल्कुल ही अबनॉर्मल आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं, ठीक है। और आई क्यू जो होगा चाइल्ड का वो भी ऑलमोस्ट नॉर्मल आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप लोगों के बुक में टेबल दिया हुआ है ट्राइसोमी और पॉटोसोम्स में, आप लोग बेशक ये भी टेबल आप लोग इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसके हिसाब से आप लोग याद रख लो तो इतना भी काफ़ी है। ट्राइसोमी 21 मैंने आप लोगों को बताया डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, इसके इंसिडेंस 1 in 800 होती है। यूजुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर आप लोग देखोगे तो मेंटल डेफिशिएंसी होगी, ब्रेकिंग तो पहले मिलेगी, ब्रेकिंग तो पहले बेसिकली बेटा एक स्कल की एक स्पेसिफिक शेप हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीपिटल बायलैटरल ऑक्सीपिटल फ्लैटनिंग हो जाएगी, विड्थ जो होगी लेंथ के मुकाबले में स्कल की ज़्यादा हो जाएगी, इसके साथ साथ फ्रंटल बल्जिंग होती है हेड की, और ये जो ये सारे सिम्टम्स हैं इनको मिला के हम ब्रैकियोकेफैली का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेजल ब्रिज जो होता है वो फ्लैट होता है, अपवर्ड स्लैंट टू पैल्पेबल फिशर्स। पैल्पेबल फिशर्स बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा डाउन सिंड्रोम का जो ये है डाउन सिंड्रोम, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। अपवर्ड पैल्पेबल फिशर्स का मतलब ये है कि पैल्पेबल फिशर्स बेसिकली हम कहते हैं कि जो स्पेस होती है बिटवीन दी मीडियल एंड लैटरल लैटरल कैंसेस ऑफ द टू ओपन आईलेट्स। अब ये ओपन आईलेट्स हैं, ये मीडियल कैंथ आए, ये लैटरल कैंथ आए, इनके दरमियान जो स्पेस है, ठीक है। तो सिंपल लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि ओपनिंग बिटवीन द आईलेट्स, ओपनिंग बिटवीन द आईलेट्स होती है वो, इसमें आप लोगों को ये ट्विंस के डायग्राम शो की हुई है डाइजाइकोटिक ट्विंस में, एक ये डाउन सिंड्रोम के साथ है दिस वन और ये नॉर्मल है, तो आप इसकी आईज में डिफरेंट देख सकते हो। इसमें अप स्लैंटिंग ऊपर की तरफ ये पैल्पेबल फिशर यानी गैप जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा है। इसी तरीके से इसमें आप लोगों को अदर सिम्टम्स जो मिलेंगे वो एपिकेंसल फोल्ड्स होते हैं। एपिकेंसल फोल्ड्स का क्या मतलब है कि इसमें जो स्किन फोल्ड होता है अपर आईलेट का, ये जो इसका स्किन फोल्ड है अपर आईलेट का, ये इनर कॉर्नर ऑफ द आई को जो होता है वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोगों का नजर आ रहा है, ये भी इसके प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। फ्रंटल बल्जिंग नजर आ रही है आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। फ्लैट नेजल ब्रिज है। इसके अलावा हम सिम्टम्स देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोट्रूडिंग टंग होती है, एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है डाउन सिंड्रोम में ट्रांसवर्स पामर फ्लेक्शन क्रीज। आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्मली दो पामर फ्लेक्शन क्रीजेज होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल ट्रांसवर्स पामर फ्लेक्शन क्रीज होती है जिसको हम सीमियन क्रीज का भी नाम देते हैं। क्लाइनोडेक्टाइली ऑफ द फिफ्थ डिजिट यानी जो फिफ्थ डिजिट होगी वो अंदर की तरफ कर्व हुई भी होगी। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स और जीआईटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही डाउन सिंड्रोम के डायग्राम देख लेते हैं। ये आप लोगों को डाइजाइकोटिक मेल ट्विन्स जो कि डिसकॉर्डेंट है फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें ट्राइसोमी 21 के लिए एक बेबी नॉर्मल है और ये डाउन सिंड्रोम के साथ है। तो डाउन सिंड्रोम में इसमें एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिंड्रोम में इन दिस इन्फेंट में आप लोगों को यहाँ जो नजर आ रही है अपर अप स्लैंटिंग पैल्पेबल फीचर्स हैं, एपिकेंटल फोल्ड्स हैं और फ्लैट नेजल ब्रिज हैं, ठीक है। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैंड ऑफ द फीचर्स में आप लोगों को नजर आती है वो सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज होती है पामर क्रीज। नॉर्मली हैंड में यहाँ पर दो पामर क्रीजेस होती हैं और एक ये हाइपोथेनाल क्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल पामर क्रीज मिलेगी जिसको हम लोगों को सीमियन क्रीज जो है उसको भी कॉमनली हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में सिंगल ट्रांसवर्स पामर फ्लेक्शन क्रीज होती है। इसके अलावा क्लाइनोडेक्टाइली इनकर्विंग ऑफ द फिफ्थ डिजिट, ठीक है। इनकर्विंग ऑफ द फिफ्थ डिजिट जो होगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी एज कम्पेयर टू अदर्स, इसको हम क्लाइनोडेक्टाइली का नाम देते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइसोमी 18 विच इज ऑल्सो नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें इंसिडेंस 1 in 8000 है। मेंटल डेफिशिएंसी, ग्रोथ रिटार्डेशन प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट होता है, शॉर्ट स्टर्नम आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर, VST और माइक्रोनीथिया होता है इसके अंदर। माइक्रोनीथिया बेसिकली हम कहते हैं कि जो लोअर जॉ होता है वो प्रॉपरली जो होता है वो डेवलप नहीं होता, अंडर साइज होता है, यानी कि स्मॉल लोअर जॉ जो होता है वो उसको हम माइक्रोनीथिया कहते हैं। लो सेट मेलफॉर्म्ड ईयर्स होते हैं, फ्लेक्स डिजिट्स होती हैं, हाइपोप्लास्टिक नेल्स, नेल्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। डॉक्टर बॉटम फीट बेसिकली हम कहते हैं बेटा कि जो हील होती हैं फीट की वो प्रोमिनेंट होती है, यानी कि प्रोमिनेंट कैल्केनियस होगा
और कॉन्वेक्सली राउंडेड इसका सोल होगा, ठीक है। इसको हम बॉक्स के बॉटम फीट कहते हैं। ट्राइसोमी 18 के अगर हम डायग्राम देखें, ये फीमेल यूनिट है विद ट्राइसोमी 18 सिंड्रोम, डोर की ट्रेडिशन आप लोगों को मिलेगी, क्लेंच फिट्स मिलती हैं, और इसमें टैक्सिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसकी जो सेकेंड और फिफ्थ डिजिट होती है उसने ओवरलैप किया होता है थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स को, ठीक है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स होती है कि सेकेंड और फिफ्थ वंस होते हैं वो ओवरलैप करती हैं थर्ड और फोर्थ को, स्टर्नम शॉर्ट होगा, नैरो पेल्विस होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्राइसोमी 13 टाउ सिंड्रोम, ये मोर सवेयर फॉर्म होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसके जो इन्फेंट्स होते हैं वो रेयरली सर्वाइव करते हैं आफ्टर सिक्स मंथ्स, ठीक है। मेंटल डिफिशेंसी होगी, सवेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेलफॉर्मेशन होगी, स्लॉपिंग फोर हेड होगा, मतलब फोर हेड जो होगा वो पीछे की तरफ उसकी जो होगी वो इंक्लाइनेशन होगी, एक्सेसिव पोस्टीरियर स्लॉपिंग ऑफ द फोर हेड, इसको हम बेसिकली कह रहे हैं। मेलफॉर्म्ड ईयर्स होंगी, स्कैल्प इफेक्ट्स, माइक्रोफ्थैल्मिया होगा। माइक्रोफ्थैल्मिया बेसिकली हम कहते हैं बेटा कि कोई एक या दोनों आई बॉल्स होते हैं आप वो अंडर डेवलप होंगे, वो एबनॉर्मली स्मॉल होंगे, ठीक है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, पॉलीडेक्टाइल यानी एक्स्ट्रा फिंगर हो सकती है, और पोस्टीरियर प्रोमिनेंस ऑफ द हील्स, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम को अगर हम लोग देखें, टाउ सिंड्रोम को देखें, फीमेल न्यूनेट को ट्राइसोमी 13 लेफ्ट 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 पैलेट नजर आ रहा है, लो सेट ईयर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। पॉलीडेक्टाइली एक्स्ट्रा डिजिट नजर आ रही है, और एम्फैलोसील हर्निएशन ऑफ विसरा इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम है, बाकियों के भी टेबल भी आप लोग कर लो, जो साथ ये जो सिम्टम्स बताए हुए इतने काफी होंगे, ठीक है। इनके एक्सेसिव फीचर मोस्ट कॉमन आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसमें डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 में। इसके बाद अगर हम बात करें ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स की, ठीक है, पहले हम लोगों ने ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स की बात की है, अब हम लोग ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स आप लोगों को पता है डिटरमिन करता है वेदर अ फीटस बिकम्स मेल एंड फीमेल। अगर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे तो इसका मतलब है कि मेल होगा, एंड अ पेयर ऑफ एक्स डबल एक्स क्रोमोसोम रिजल्ट इन अ फीमेल, ठीक है। तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज कब होंगी? व्हेन अ पर्सन इज मिसिंग अ होल सेक्स क्रोमोसोम, अगर एक पूरा सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा उसको हम मोनोसोमी कहेंगे, ठीक है, या फिर हैज मोर देन वन कॉपी ऑफ ए सेक्स क्रोमोसोम, यानी वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा उसको हम ट्राइसोमी कहेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दोनों बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एबनॉर्मलिटीज होंगी, इसके अलावा भी हो सकती हैं सेक्स क्रोमोसोम में, उसमें क्या होता है कोई पार्ट जो होगा क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का, वो मिसिंग होगा, उसको हम सिंपली डिलीशन का नाम देते हैं। ये जो है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ही आएंगे जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी जो होती है उसमें तीन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रिपल एक्स सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी एक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसमें जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है वो डबल एक्स वाई होता है, इसके अलावा एक्स डबल वाई सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होती है जिसको हम जैकब सिंड्रोम का नाम भी देखते हैं, ठीक है। सो द ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कॉमन डिसऑर्डर होते हैं, इनकी जो बेसिकली फिजिकल फाइंडिंग्स होती है वो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में आप लोगों को नहीं मिलती हैं। सो ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मोस्टली अंटिल प्यूबर्टी तक जो है वो डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, ट्राइसोमी एक्स यानी ट्रिपल एक्स फीमेल होगी, और क्लाइनफेल्टर के साथ मेल होगा, ठीक है। डायग्नोसिस होगी वो आप इसको कर सकते हो बेस्ट अचीव फाइव क्रोमोसोम एनालिसिस, या फिर अदर मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टेक्निक से इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स में ये आप लोगों के पास टेबल है, इसमें तीन आप लोगों को बताई है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास जो है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम में सबसे पहले 47 ट्रिपल एक्स है जिसको मैंने आप लोगों को बताया ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी कहती हैं। इसमें जो फीनोटाइप होगी वो मेल फीमेल होगी, सॉरी 1 in 1000 में इसका इंसिडेंस होगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम जो होते हैं इसमें बेसिकली गर्ल्स होती हैं वो बॉर्न होती हैं विद 3 एक्स क्रोमोसोम्स के साथ इनकी बर्थ होती है,
ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में हमारे पास जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो यूजुअली इनहेरिट होता है फ्रॉम मदर, और ओल्डर द मदर इज इज ग्रेटर द चांस हर फीटस कुड हैव दी सिंड्रोम. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इन अपेरेंट्स होगी यूजुअली फर्टाइल होगी 15-20% जो होते हैं उसमें माइल्डली मेंटल डेफिशिएंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं 47XXY जिसको हम लोगों ने जैकब सिंड्रोम का नाम दिया है. फिनोटाइप जो होगी वो मेल होगी, इसमें 1 in 1000 इसकी इंसिडेंस है. जिसमें क्या होता है कि बॉयज होते हैं वो बॉर्न होते हैं विद 2 Y क्रोमोसोम्स के साथ एंड 1 X क्रोमोसोम्स के साथ. इससे भी नॉर्मल बेसिकली अपीयरेंस होती है, यूजुअली टॉल होते हैं दैन नॉर्मल एंड ऑफन उनका एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास बात करते हैं 47XY. इसमें बेसिकली मोस्ट कॉमन इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम भी देते हैं. मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली इज ए सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इन विच बॉयज आर बॉर्न विद. इसमें क्या होता है कि बॉयज होते हैं बॉर्न होते हैं विद 2 X क्रोमोसोम्स के साथ प्लस 1 Y क्रोमोसोम्स. ठीक है, बॉयज होंगे उनके 2 X क्रोमोसोम प्लस 1 Y क्रोमोसोम. इसमें बेसिकली बॉयज के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया. ठीक है, तो डायग्नोसिस जो होती है वो यूजली प्यूबर्टी पे होती है जबकि मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स होते हैं इसके ज्वाला क्रोम शुरू हो जाते हैं. इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें इस तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है. तो स्मॉल टेस्टिस होंगे, हाइलिनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है जहाँ पर बेसिकली ये सारे जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है सॉरी जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो इवन होती है. इसमें क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली लॉस्ट हो जाते हैं और उनकी जगह सिर्फ कोलेजन फाइबर्स हो जाते हैं. ठीक है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है. इसमें क्या होता है कि जर्म सेल्स होते हैं या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे या फिर अगर प्रेजेंट होंगे तो बिल्कुल इमेच्योर फॉर्म में होंगे. ठीक है, ऑफन टॉल जो मेल होते हैं बॉयज होते हैं ऑफन टॉल होते हैं विद डिस्प्रोपोर्शनली लॉन्ग लेंस होती है. इंटेलिजेंस लेस देन नॉर्मल होगी. अप्रॉक्सीमेटली 40% जो मेल इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेल्स होंगे उसमें डायमेंशियल हो जाए यानी कि एनलार्जमेंट होती है. ठीक है, ये एक मेल एडोलेसेंट है विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इसमें इनकी गायनेकोमिस्ट्रिया शो किया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है और स्मॉल टेस्टिस होते हैं. ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बेटा आप लोगों को कैरियोटाइप शो की हुई है. ये 23rd सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया हुआ है. ठीक है, नॉर्मली क्या होते हैं फीमेल्स होते हैं उनके 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं डैश में हम इनको ऐसे देखते हैं 46XX. मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है उसका हम 46XY इस तरीके से शो करते हैं. ठीक है, तो जो बॉयज या मेन होंगे विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसमें यूजुअल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे. एक तो एक्स और वाई यूजुअल क्रोमोसोम जो कि प्रेजेंट होता है मेल में, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा. दैट्स व्हाई इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 47 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया 47 और साथ उसकी क्रोमोसोम का जो कॉम्प्लीमेंट है डबल एक्स वाई. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी जो क्रोमोसोम की कॉम्प्लीमेंट है वो इस तरीके से शो करते हैं. ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया बेटा. ये तो कहीं हमारे पास ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब अगर बेटा किसी को नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हो. हम लोग इसके बाद ये थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी ये क्लिनिकल से ये करने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हमारी एंड होगी. इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होंगी वो देखेंगे. ठीक है, टेट्रासोमी और पेंटासोमी क्या होता है कि अगर पर्सन विद टेट्रासोमी और पेंटासोमी हैव सेल न्यूक्लिया विद 4 or 5 sex क्रोमोसोम. अगर 4 क्रोमोसोम्स होंगे तो उनमें टेट्रासोमी होगी, 5 होगी, पेंटासोमी होगी. ठीक है, और इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. फीमेल्स होंगी तो 48, अगर 4 होंगे तो 48 टेट्रासोमी होगी, तो 48 पेंटासोमी होगी, 49 इस तरीके से हम लोग शो करेंगे. इसी तरीके से मेल्स में इस तरीके से ये क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो आप लोगों को नजर आएंगे. ठीक है, और एक्सेस सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो बेसिकली डू नॉट एक्सेंचुएट दी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, हाउएवर द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, अगर मेल्स में ग्रेटर नंबर होगा एक्सेस क्रोमोसोम्स का ग्रेटर द सेवेरिटी ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी एंड फिजिकल इंपेयरमेंट, ये सेवेरिटी ज्यादा हो सकती है. ठीक है, और दोनों जो है टेट्रासोमी एक्स सिंड्रोम और पेंटासोमी एक्स सिंड्रोम दोनों जो है यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं सिवियर मेंटल डेफिशिएंसी एंड मल्टीपल
फिजिकल डिफेक्ट्स के साथ, ठीक है। मोज़ेकिज़्म मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था, अ पर्सन विद एटलीस्ट टू सेल लाइंस विद टू और मोर जीनोटाइप्स, ठीक है, इसको हम मोज़ेकिज़्म का नाम देते हैं। ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफेक्ट्स जो कि इसमें यूजली लेस सिवियर होते हैं देन इन पर्सन विद मोनोसोमी या फिर ट्राइसोमी के लिहाज से, ठीक है। और इसके अलावा मोज़ेकिज़्म जो होता है वो नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से होता है ड्यूरिंग अर्ली क्लेवेज ऑफ साइगोट, और इसमें एनाफेज लैगिंग ऑल्सो अकर्स, इसमें बेसिकली रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स बाय एनाफेज लैगिंग। क्रोमोसोम सेपरेट नॉर्मली बट वन ऑफ देम इज डिलेड इन इट्स माइग्रेशन और उसके वजह से इवेंचुअली लॉस हो जाता है। ट्रिप्लॉइडी की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइडी मैंने आप लोगों को बताया था कि पेयर ऑफ यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसोमी मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम जो है वो या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ट्रिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी में क्या होता था कि इसमें बेसिकली सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो रहे हैं। तो ट्रिप्लॉइडी में क्या होगा कि सेल न्यूक्लियस कंटेनिंग थ्री और मोर हैप्लॉइड सेट्स, तीन या उससे ज्यादा हैप्लॉइड सेट्स होंगे, तो इसका ट्रिप्लॉइड फिटस होगा वो 69 क्रोमोसोम के साथ होगा, ठीक है। ट्रिप्लॉइड फिटस होता है उसमें सिवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, स्फेयर हेड बॉडी डिस्प्रोपोर्शन होता है, और बॉर्न कर जाते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं करते वेरी लॉन्ग। ट्रिप्लॉइडी मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, और इसकी मेन कॉज क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओसाइट बाय टू स्पर्म्स, जिसको हम डाइस्पर्मी कहते हैं। फेलियर ऑफ वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड ओसाइट और स्पर्म मे अकाउंट फॉर सम केसेस, ठीक है। ये आप लोगों को डिप्लॉइड फिटस दिखाया है, 69 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है स्पेयर हेड टू बॉडी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन होती है, और ट्रिप्लॉइड फिटस जो होता है बेसिकली अकाउंट करता है अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होती है उसमें 20% होती है वो ट्रिप्लॉइड फिटस की वजह से होती है। टेट्राप्लॉइडी की अगर हम बात करें तो इसमें डबलिंग हो जाएगी डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की फ्रॉम 46 to 92, और फर्स्ट क्लेवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट में होती है। इसमें बेसिकली यूजुअली एम्ब्रियो जो होते हैं वो बहुत अर्ली अबॉर्ट कर जाते हैं, एंड ऑफन ऑल दैट इज बीइंग कवर्ड इज एन एम्ब्रियो एम्प्टी कॉलोनिक सैक, आप लोगों को मिलता है जिसको हम ब्लाइटेड एम्ब्रियो का नाम देते हैं। अब बेटा न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हमारी कवर हो गई है, जिसमें हमने मोनोसोमी ट्राइसोमी के हिसाब से हम लोगों ने टर्नर सिंड्रोम देखा उसमें, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्राइसोमी में ऑटोसोमल क्रोमोसोम से ट्राइसोमी देखी और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखी, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज अब हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज बेसिकली इसमें क्या होता है कि या तो बेसिकली इसमें जो क्रोमोसोम है उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली डिफेक्ट होगा, हो गया कि व्हेन पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज मिसिंग, अगर एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिसिंग है इसको हम कहते हैं डिलीशन, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्विच टू अनदर क्रोमोसोम, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि अनदर क्रोमोसोम पे स्विच हो गया है इसको हम डुप्लीकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और सॉरी एक्स्ट्रा अगर होगा तो वो डुप्लीकेशन में आएगा, स्विच टू अनदर क्रोमोसोम होगा तो वो ट्रांसलोकेशन में आएगा, और टर्न अपसाइड डाउन का मतलब है कि वो इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज मिसिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, स्ट्रेच टू अनदर क्रोमोसोम या फिर टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस होंगे क्रोमोसोम में वो हमारे पास डिलीशन हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, इन्वर्जन हो सकती है या फिर ट्रांसलोकेशन हो सकती है, ठीक है। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की जो मेन कॉज है वो बेसिकली क्या होता है कि रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल ब्रेकेज, ब्रेकेज की वजह से होती है, और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है इन एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। ब्रेकेज जो होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन आ सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स, केमिकल्स कुछ भी हो सकता है। बेसिक जो ब्रेकेज होगी वो कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती है क्रोमोसोम की वो 183 सेंटीपाइज यूनिट्स में इसके इंसिडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांसफर ऑफ ए पीस ऑफ वन क्रोमोसोम टू ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन नहीं हो रही बल्कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो रही है, यानी कि एक क्रोमोसोम
पपीज जो है वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके अटैच हो गया, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन बेसिकली डजंट नेसेसरीली कॉज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है, एक रेड में शो किया हुआ, एक ब्लू में। अब क्या हुआ है कि ये रेड का कुछ पीस जो है ये सेपरेट होके और यहाँ से ये ब्लू का पीस सेपरेट हुआ है, तो रेड वाला जो है वो ब्लू पे लग गया और ब्लू का रेड पे। ये ट्रांसलोकेशन यानी एक जीन एक क्रोमोसोम की दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो है वो पार्ट ऑफ जो जीन है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज पीसेस, अगर दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है जब ये एक्सचेंज करेंगे पीसेस, तो इसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। इस ट्रांसलोकेशन को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन के बारे में मैं बता रही थी कि ट्रांसलोकेशन डजंट नेसेसरीली कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट जरूरी नहीं कि इन ट्रांसलोकेशन की वजह से कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो। पर्सन विद ट्रांसलोकेशन बिटवीन में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 14 में ट्रांसलोकेशन बेसिकली बताई हुई कि अगर इनमें ट्रांसलोकेशन होगी तो इनके जो पर्सन होंगे वो फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे, ठीक है। इनमें बेसिकली बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर्स होते हैं और ये इसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटीज होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के साथ जो इन्फेंट्स होते हैं 3-4% ऑफ द इन्फेंट्स विद डाउन सिंड्रोम, उनमें ये ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमीज हो सकती है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 इज अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन के बाद अब हम लोग डिलीशन देखते हैं, व्हेन अ क्रोमोसोम ब्रेक्स पार्ट ऑफ इट मे बी लॉस्ट। डिलीशन का मतलब है कि ये क्रोमोसोम है नॉर्मल आप लोगों को दिखा हुआ है, इसमें से एक पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने के बाद आप लोगों के पास ये क्रोमोसोम आ गया, तो यानी कि इसमें क्रोमोसोम जब ब्रेक होगा तो इसका कोई ना कोई पार्ट जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिलीशन का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म है, रिंग क्रोमोसोम इज अ टाइप ऑफ डिलीशन क्रोमोसोम। एक रिंग क्रोमोसोम बनता है जिसमें बेसिकली टाइप होती है डिलीशन क्रोमोसोम की। इसमें क्या होता है हमारे पास कि जब बोथ एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो लॉस्ट होते हैं। लॉस्ट होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रोकन एंड्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोकन एंड्स होते हैं वो रीजॉइन होकर एक रिंग शेप क्रोमोसोम की फॉर्म ले आते हैं, ठीक है। तो रिंग क्रोमोसोम बेसिकली इज ए टाइप ऑफ डिलीशन क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जो टर्मिनल, जैसे पिछले डायग्राम में मैंने आप लोगों को दिखाई कि एक टर्मिनल डिलीशन हो रही है, यहाँ पर एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का लॉस्ट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अ पार्शियल टर्मिनल डिलीशन फ्रॉम द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है ये सेंट्रोमियर है। एक इसकी लॉन्ग आर्म होती है जिसको हम क्यू आर्म कहते हैं और एक इसकी शॉर्ट आर्म होती है जिसको डी आर्म कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम 5 की शॉर्ट आर्म के ऊपर डिलीशन होती है, टर्मिनल डिलीशन, उसकी वजह से एक सिंड्रोम अपेयर होता है जिसको हम फिटोशेट सिंड्रोम कहते हैं। और ये इन सिंड्रोम के जो अफेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं उसमें कैट लाइक क्राई होती है, माइक्रोसेफेली यानी कि स्मॉल हेड होता है, न्यूरोपेनियम, सीवियर मेंटल डेफिशिएंसी और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस इन पेशेंट्स को हो सकती है, ठीक है। और दीज एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पर्सन विद 45X, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में हो सकता है, ट्राइसोमी 18 में, और अदर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं। ये मेल चाइल्ड विद 3-2 सिंड्रोम जिसमें कैट लाइक क्राई होती है, माइक्रोसेफेली, हाइपरटेलोरिज्म, यानी कि दोनों जो ऑर्बिट हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स, इनके दरमियान में डिस्टेंस आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। कैरियोटाइप में आप लोग देख सकते हो ये 4 क्रोमोसोम की कैरियोटाइप है, ये 5 क्रोमोसोम की कैरियोटाइप है। इसमें मेन कॉज क्या होता है कि 5 क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उसमें टर्मिनल डिलीशन, यहाँ पर आप लोगों को डिलीशन नजर आ रही है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो लॉस्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसमें कॉज होती है। अब हम लोग देख लेते हैं माइक्रो डिलीशन एंड माइक्रो ड्यूप्लीकेशन। माइक्रो डिलीशन, आप बेसिकली बहुत छोटी छोटी डिलीशन होती हैं वो आप लोग किस तरीके से डिटरमिन करते हो, तो विद हाई रेजोल्यूशन बाइंडिंग टेक्निक्स के से आप लोग वेरी स्मॉल इंटरस्टिशियल एंड टर्मिनल डिलीशंस होते हैं सेवरल क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स में डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो डिलीशंस बेसिकली क्या करती हैं कि ये स्पैन सेवरल कॉन्टिगुअस जीन्स, दीज डिसऑर्डर्स एंड दोज विद माइक्रो ड्यूप्लीकेशंस आर रेफर्ड टू एज, और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स आप लोगों को मिलेंगे डिलीशंस और ड्यूप्लीकेशंस की वजह से उसको हम लोग कॉन्टिगुअस जीन सिंड्रोम कहते हैं। और इनमें डिसऑर्डर्स में हमारे पास एक प्रैडर-विली सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है कि शॉर्ट बेसिकली इसमें जो इसमें पेशेंट्स होते हैं उनमें शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, माइल्ड मेंटल डेफिशिएंसी, ओबेसिटी
ओवर ईटिंग और हाइपोगोनाडिज्म। इसी तरीके से एक और सिंड्रोम है एंजेलमैन सिंड्रोम, इसमें सीवियर मेंटल डेफिशिएंसी, माइक्रोसेफेली, ब्रैकियोसेफेली, सीजर्स, एटैक्सिया यानी एबनॉर्मलिटी इन मूवमेंट्स एंड बैलेंस और लिम्स एंड ट्रंक की हो सकती है। होता क्या है कि इन दोनों सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम 15 है उसका जो लॉन्ग आर्म पे बैंड नंबर 12 पे डिलीशन हो रही है, ठीक है, जो उसका बैंड 12 है उसकी डिलीशन हो रही है, तो क्लिनिकल फेनोटाइप जो होगी वो डिटरमिन होगी बाय द पेरेंटल ओरिजिन ऑफ द डिलीटेड क्रोमोसोम 15, यानी कि जो क्रोमोसोम का ओरिजिन पेरेंटल मेटरनल साइड से है या फिर पेटर्नल साइड से, तो उस से आप लोगों की इसकी फेनोटाइप होगी वो डिटरमिन होगी, ठीक है। द डिलीशन इज इन द मदर, एंजेलमैन सिंड्रोम अकर्स इफ द पास्ड ऑन बाय द फादर, देन द चाइल्ड जो होगा उसमें प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये आप लोगों का एक टेबल है बुक में भी आप लोगों को शो किया हुआ है, इसमें बेटा बेसिकली कॉन्टिगुअस जीन सिंड्रोम शो की हुई है। इसमें क्या होता है कि कॉन्टिगुअस जीन सिंड्रोम को हम लोग कॉन्टिगुअस जीन डिलीशन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं ड्यू टू डिलीशन, आप लोगों का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ये सारी डिलीशन की वजह से हो रही हैं, कुछ जो है वो इसमें ड्यूप्लीकेशन की वजह से हो रही हैं। प्रेडर-विली सिंड्रोम मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें क्या होता है कि डिलीशन होती है और क्रोमोसोम 15 की जो क्यों आम है उसमें जो 12 बैंड होता है उसकी डिलीशन होती है, मोस्टली पेटर्नल ओरिजिन होता है इसमें, और हाइपोटोनी हो सकता है यानी कि मोमेंट जो होती है वो कम हो सकती है। हाइपोगोनाडिज्म, एक्सट्रीम ओबेसिटी विद हाइपरफेजिया, ओवर ईटिंग, डिस्टिंक्ट फेस, शॉर्ट स्टेचर, ये सारे इसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी तरीके से एंजेलमैन में भी सेम है, लेकिन इसमें मेटर्नल साइड से बेसिकली क्रोमोसोम जो है वो एक्वायर हो रहे हैं और इसमें पेटर्नल साइड से, दोनों में डिलीशन जो है वो 15 क्रोमोसोम की जो क्यू आर्म पे जो 12 बैंड है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एंजेलमैन में बेसिकली माइक्रोसेफेली, मैक्रोसोमिया, एटैक्सिया, ये सारे एक्सेसिव प्लॉफ्टर जो है इसके करैक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसमें हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मिलर-डाइकर सिंड्रोम जो है, मिलर-डाइकर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि एक कैरेक्टराइज पैटर्न होता है एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट का, जिसको हम लाइफ्रेन सेफेली का नाम देते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ब्रेन का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नॉर्मल आप लोगों को ब्लूथ और फिशर्स मिलते हैं, जिसको हम सेल्काई और गाराई का नाम देते हैं। लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं वो जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि एबनॉर्मली स्मूथ ब्रेन होते हैं विद फ्यूअर फोल्ड्स एंड ग्रूव्स के साथ, ठीक है। तो ये इसके 36 फीचर हैं। डिसमॉर्फिक फेस होगा, सीजर्स और साथ साथ इसकी सारी एबनॉर्मलिटीज होंगी। इसमें बेसिकली डिलीशन क्रोमोसोम 17 जेनेटिक में, इसमें क्या होता है कि डिलीशन ऑफ द जेनेटिक मटीरियल नियर द एंड ऑफ द शॉर्ट आर्म जो होती है पी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 17, ठीक है। क्रोमोसोम 17 की जो पी शॉर्ट आर्म है उसके एंड पे डिलीशन हो रही है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में इसी तरीके से डिलीशन हो रही है क्रोमोसोम जो 11 सॉरी क्रोमोसोम 22 के जो शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म है उसका जो 11 बैंड है उसमें डिलीशन हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से सारे सिंड्रोम्स जो है वो कॉन्टिगुअस जीन सिंड्रोम में आ रहे हैं और इसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो आप लोगों को शो की हुई, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें बेसिक बताने वाली बात ये थी कि इसमें आप लोगों ने जो है वो माइक्रो डिलीशन और माइक्रो ड्यूप्लीकेशन जो है वो डिलीशन में जो है छोटी छोटी जो डिलीशन हो रही हैं उसकी वजह से आप लोगों को कॉन्टिगुअस जीन सिंड्रोम जो है वो आप लोग इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है प्रेडर-विली सिंड्रोम, और ये कहाँ कहाँ पे डिलीशन हो रही है और कैसे हो रही है और ओरिजिन क्या है पेटर्नल या मेटर्नल, या आप लोगों ने इसके क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों ने देख लेना, और ये इसमें डिलीशन जो है वो क्रोमोसोम 15 की जो लॉन्ग आर्म है जिसको हम क्यू आर्म कहते हैं, दो आर्म होती हैं क्रोमोसोम्स की, एक क्यू होती है और एक पी होती है। क्यू जो होती है लॉन्ग आर्म होती है, पी जो होती है शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है। तो क्यू आर्म का जो 12 बैंड है इसके ऊपर, आर्म्स के ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था बैंड होते हैं, ठीक है। तो ये 12 बैंड की जो है वो डिलीशन हो रही है, तो उसकी वजह से एंजेलमैन सिंड्रोम होगा। दोनों में एक ही तरह की डिलीशन है, लेकिन इसमें सोर्स जो रीजन है क्रोमोसोम का वो पेटर्नल है और इसमें मैटर्नल है, ठीक है। इसी तरीके से डाइजॉर्ज मिलर डाइकर सिंड्रोम, ये सारी मैंने आप लोगों को बता दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप इसको जो है वो देख के बाकी जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद बेटा हमारे पास थी डुप्लीकेशंस, अच्छा क्या हम लोगों ने कर ली। उसके बाद बेटा डुप्लीकेशंस हैं, डुप्लीकेशंस में क्या होता है कि सम एब्नॉर्मलिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज डुप्लीकेटेड पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विद इन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो गया उसी क्रोमोसोम के अंदर या फिर अटैच्ड हुआ क्रोमोसोम और एज ए सेपरेट फ्रैगमेंट। अब ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, अब इसमें आप लोग इसके बैंड्स दे सकते हो, शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म है, इसमें 1-2 करके शो किए हुए, इसमें 3-4-5-6। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसमें 4-5 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेशन हो गया इस तरीके से। इसमें 5-4 उसका वो चेंज हो रहा है पैटर्न, ठीक है। ये डुप्लीकेशन होती हैं, डुप्लीकेशन जो होती हैं वो डिलीशन से ज़्यादा कॉमन होती है। डुप्लीकेशन की वजह से जो सिंड्रोम है यहाँ पर, ये बैक विथ वाइट मैन सिंड्रोम, ये डुप्लीकेशन हो रही है 11 क्रोमोसोम्स के जो शॉर्ट आर्म है उसके 15 बैंड पे क्रोमोसोम हो रही है। शॉर्ट यूजुअली पेटर्नल ओरिजिन है, ठीक है, और इसके ये सारे सिम्टम्स आप लोगों को शो किए हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन होती हैं वो बेसिकली मोर कॉमन होती है देन डिलीशन से, लेकिन लेस हार्मफुल होती है क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो रहा बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का, डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। हाउएवर द रिजल्टिंग फेनोटाइप, जो फेनोटाइप आप लोगों को मिलेगी ऑफन इंक्लूड्स मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकती है, उसमें बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन जो होती है वो या तो पार्ट ऑफ ए जीन में होगी या होल जीन या फिर सीरीज ऑफ जीन्स में हो सकती है। इसी तरीके से इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन में बेटा बेसिकली इज अ क्रोमोसोमल एबरेशन इन विच सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि इसमें रिवर्स हो रहा है सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें इन्वर्जन दो तरीके से हो सकती है, एक पेरीसेंट्रिक हो सकती है इन्वर्जन और एक पैरासेंट्रिक हो सकती है। बाकी लोगों को मैं दिखा रही हूँ, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होती है कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, जबकि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जो होती है इन्वॉल्व बोथ आर्म्स एंड इंक्लूड द सेंट्रोमेयर, ठीक है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन यानी ये एक सेंट्रोमेयर है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, ठीक है। पैरासेंट्रिक जो होगी सिर्फ एक सिंगल आर्म में जो होगी वो इन्वर्जन होगी। इसमें अब आप लोग देख सकते हो ये नॉर्मल है, 5-6-7 जो इसका बैंड है इसमें इसकी इन्वर्जन हो गई, ये उलट हो गया, ठीक है। तो ये अगर ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की डायग्राम आप लोगों को शो की हुई है, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स, जबकि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा कि ये बड़ी आर्म जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, दोनों और साथ साथ सेंट्रोमेयर जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो कैरियर्स ऑफ जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जिसमें दोनों आर्म्स इन्वॉल्व हैं, This having offspring with birth defects, उनमें जो offspring होंगे वो birth defects के साथ हो सकते हैं because of unequal crossing over होगी उसमें और male segregation होगी meiosis के वक्त में, ठीक है। Next है बेटा isochromosomes हैं। isochromosomes में क्या होता है कि जब centromere divide होता है, normally क्या होता है ये centromere है, जब ये chromosome की division होती है तो ये longitudinally divide होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आइसो क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर जो होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड आइसो क्रोमोसोम रिजल्ट्स व्हेन द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडनली, जिसके नतीजे में क्या होता है कि क्रिएटिंग अ क्रोमोसोम इन विच वन आर्म इज मिसिंग एंड द अदर इज डुप्लीकेटिंग, ठीक है। अब क्या होगा जब ये इस तरीके से डिवाइड होगा तो एक तरफ तो एक ही आर्म आ रही है, यानी कि ये आर्म आ रही है, दूसरी वाली नहीं आ रही, ठीक है, और ये एक आर्म जो है वही डुप्लीकेट हो रही है, तो क्या होगा कि एक आर्म मिसिंग होगी एंड द अदर जो होगा वो डुप्लीकेटेड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जब ट्रांसवर्सली जो होगी इसकी वो डिवीजन होगी, ठीक है बेटा। आइसो क्रोमोसोम हो गया, दिस क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। पर्सन विद दिस एबनॉर्मलिटी ऑफन हैव शॉर्ट स्ट्रक्चर। अब आइसो क्रोमोसोम आइसोक्रोमोसोम्स के साथ जो एबनॉर्मलिटी होती है उनमें पर्सन जो होते हैं वो होती है सबनॉर्मलिटी के साथ, उनमें शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, अदर्स जो होते हैं उसमें स्टिग्मेटा विजिबल एविडेंस ऑफ डिजीज ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू द लॉस ऑफ एन आर्म ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा बेटा ये तो थी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब आप लोग बेटा
दो तीन मिनट्स हैं, आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने साथ साथ आप लोगों को बता दी हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे को, ठीक है। अभी इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट दोबारा बता देती हूँ, न्यूमेरिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स में दो तरह से हो सकती है, एक तो स्ट्रक्चरल हो सकती है और एक न्यूमेरिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। न्यूमेरिक की जो जो मेजर कॉज है वो नॉन डिस्टिंक्शन है, और उसमें हमारे पास या तो ट्राइसोमी हो सकती है, मोनोसोमी होती है। मोस्ट कॉमन मोनोसोमी जो है वो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मिसिंग होता है, एक फेनोटाइप जो होती है वो ऑलवेज फीमेल होती है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉज में नॉन डिस्टिंक्शन आप लोगों को बता दिया है। सिम्टम्स आप लोग उसके बिफोर बर्थ, एट बर्थ और आफ्टर एडोलेसेंस के जो सिम्टम्स हैं वो आप लोग डायग्राम आप लोगों की बुक्स में रिव्यू से देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइसोमीज की अगर हम बात करें तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, और इसमें हमारे पास ऑटोसोम्स की ट्राइसोमीज होती हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमीज होती हैं। ऑटोसोम ट्राइसोमीज में जो मोस्ट कॉमन है वो डाउन सिंड्रोम है, यानी कि 21 ट्राइसोमी 21 है। इसके अलावा ट्राइसोमी 18 और 13 भी होती हैं, लेकिन वो यूजली सर्वाइव नहीं करते थे देर तक, ठीक है। तो और इनके रिस्क जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मैटरनल एज के साथ, खासतौर पर डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। और इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेबल दिया हुआ है आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें कैसेस फीचर और साथ डायग्राम्स दी हुई आप लोगों के बुक्स में, अगर आप लोग उसको देख के कवर कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मैंने आप लोगों को तीन बताए थे। उसमें सेक्स क्रोमोसोम को बेसिकली जो है वो कोई भी सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व, जैसा कि उसमें तीन हमारे पास ट्रिपल एक्स है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और एक्स डबल वाई सिंड्रोम है, जिसको हम जैकब सिंड्रोम का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जो है वो हमारे पास आ रही है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को वो भी टेबल आप लोगों के पास है, आप लोग टेबल याद कर लोगे वो इम्पोर्टेंट है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सारी, और उसके अलावा ओरिजिन क्या है, फिनोटाइप क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जिसमें किसी क्रोमोसोम के पार्ट जो है वो उसमें कोई मिसिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, या फिर टर्न अपसाइड डाउन होता है, उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। रिलेशन रिप्लिकेशन इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन, रिलेशन की वजह से जो है वो जो ट्रांसलोकेशन में अक्सर जो है वो अबनॉर्मलिटीज जो होती हैं वो इतनी कॉमन नहीं होती। रिलेशन की वजह से जो अबनॉर्मलिटीज होंगी, एक तो क्रोमोसोम 5 की अगर शॉर्ट आर्म की डिलीशन हो जाए तो 3 to शर्ट सिंड्रोम होता है, या आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर माइक्रो डिलीशन होती हैं तो उसमें आप लोगों को ये टेबल है कॉन्टिग्यूस जीन सिंड्रोम, उसमें डिफरेंट जो डिलीशन है वो आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वाले मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे, बाकी भी आप लोग देख सकते हो। ये सारी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। और बेटा कोई एनी क्वेश्चंस पे मैं एंड करती हूँ। नो क्वेश्चंस, चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, उस वक्त हम मिलेंगे और बाकी जो है वो चीजें कवर करेंगे, ठीक है बेटा। इम्पॉर्टेंट है इसमें टर्नर सिंड्रोम मैंने आप लोगों को बढ़ाया, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स जो है, ट्राइसोमी कौन कौन सी होती हैं, ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी और सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी, इसकी जो टेबल आप लोगों को ये बुक में दिए हुए और साथ इनके जो डायग्राम्स हैं उसमें आप उसके सिम्टम्स कर सकते हो। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आप लोगों को पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, और डिलीशन में कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है उनकी थोड़ा बहुत उनकी डेफिनेशन वगैरह और साथ उसका मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहिए बाकी, ठीक है। और कुछ चलो ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़, आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो टाइम होगा, सही है।